नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट एम सी पर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वेदर रिपोर्ट। आज जानेंगे कि मौसम का हाल कैसे रहने वाला है और आने वाले समय में मौसम कैसा देखने को मिल सकता है, कहां पर ज्यादा बर्फबारी देखने को मिल रही है और वो कौन सी जगह है जहां पर बेहद ज्यादा बारिश इस समय देखने को मिल रही है सर्दियों के मौसम में भी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे इस खास पेशकश के अंदर। तो दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौसम की पहली धुंध छा गई है और इसके दो और दिनों तक रहने की आशंका जताई जा रही है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने बुधवार को यह जानकारी दी है। हालांकि दिल्ली में मौसमी धुंध घनी है, लेकिन अक्टूबर के मध्य से 8 नवंबर तक पराली जलाने से होने वाले धुएं का औसत दैनिक योगदान पिछले 4 वर्षों में सबसे कम रहा है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र में अनुसंधान की कार्यकारी निदेशक ने कहा है कि जाहिर तौर पर मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के संयुक्त असर पराली और पटाखे जलाने से मौसम की धुंध छा गई है। सीएसई ने बताया है कि पिछले 4 वर्षों की धुंध की पहली घटना की तुलना करें, मौजूदा धुंध 2018 और 2020 की पहली धुंध की अवधि से मिलती है जो 6 दिनों तक रही थी। अगर परिस्थितियों में सुधार नहीं होता है तो ये 2019 की धुंध से भी अधिक समय तक रह सकती है जो 8 दिनों तक रही थी। सीएसई ने कहा है कि दिल्ली के औसतन दैनिक पीएम 2.5 में अक्टूबर से 8 नवंबर के दौरान धुएं का योगदान पिछले 4 वर्षों में सबसे कम रहा है। अभी तक ये प्रतिदिन औसतन 12% दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल 17%, 2019 में 14% और 2018 में 16% था। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। सर्दी की दस्तक के साथ सुबह शाम तापमान में गिरावट बढ़ती जा रही है। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में हल्के ठिठुरन के साथ धूप की भी तपिश कम होने लगी है। वहीं दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में जोरदार बारिश हो रही है और केरल और तमिलनाडु में बाढ़ के भी हालात बन गए हैं। आज के मौसम की ताज़ा हालात की बात करें तो स्काईमेट वेदर के मुताबिक एक कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण पूर्व और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। संबंध चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 13 नवंबर के आसपास दक्षिण अंडमान सागर और आसपास के क्षेत्र में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा और ये धीरे धीरे तेज होते हुए पश्चिम उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा। दिल्ली NCR में ठंड की दस्तक तो होने लगी है, लेकिन साथ ही वायु प्रदूषण में भी खास इजाफा हो गया है। यूपी, पंजाब और MP के किसानों के पराली जलाने की घटना से दिल्ली की हवा को और खराब कर दिया है। दिल्ली NCR के साथ साथ गंगा के मैदानी इलाकों में वायु प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। नवंबर महीने के शुरुआत के साथ ही बिहार में ठंड की भी आहट होने लगी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 12 नवंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा। इस बीच अधिकतम और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री से 11 डिग्री के बीच रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे तापमान में गिरावट आती ही जाएगी। बात करें अगर यूपी की, तो यूपी में बीते कुछ दिनों से मौसम में काफ़ी तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ का मौसम भी बदला है, यहाँ ठंड की दस्तक हो चुकी है, लोग ठंड महसूस कर रहे हैं। वहीं दिन में धूप के कारण तापमान में कुछ गर्मी भी है, लेकिन सुबह शाम अब ठंड ज़्यादा पड़ने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक लखनऊ में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं बात करें अगर झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी रांची में मौसम का मिजाज बदलेगा। आने वाले 14 और 15 नवंबर को रांची समेत कई इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ समेत कई और इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं बारिश के कारण ठंड में भी इजाफा होगा। स्काईमेट वेदर के मुताबिक तटीय भागों और इससे सटे दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में आने वाले समय में भारी बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। केरल, तटीय कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी। बात करें अगर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते हालात बेहद खराब हो गए हैं। तमिलनाडु में वर्षा जनित हादसों में 12 लोगों की मौत भी हुई है। राहत और बचाव कार्यों के लिए NDRF की 11 टीमें और SDRF की 60 टीमें तैनात की गई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि तमिलनाडु के लोगों को फिलहाल भारी बारिश से निजात मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के कई जिलों में आज के लिए यानी कि 11 नवंबर के लिए
भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आज तमिलनाडु में मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते, खराब मौसम के चलते लगभग 11 से 12 लोगों की जान भी जा चुकी है और मौसम विभाग का अभी यही कहना है कि तमिलनाडु के लोगों को अभी भारी बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है। वहीं बात करें अगर उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में जो बर्फबारी और जो बारिश है वो लगातार बनी हुई है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। फिलहाल वेदर रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।